बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लैंड सर्वेयर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास सोकिया का कोई भी टोटल स्टेशन हो, कोई भी मॉडल हो, 630 आर हो, 630 आर के हो, CX105 हो, कोई पुराना मॉडल हो, कोई नया मॉडल हो सोकिया का, तो उसमें हम लोग जो यूनिट सेटिंग्स है वो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड जी, हमारे पास यहाँ पे जो टोटल स्टेशन का मॉडल मौजूद है, काफ़ी पुराना मॉडल है, सेट 630 आर। आपको स्क्रीन पे टॉप पे नज़र आ रहा है सेट 630 आर। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो यूनिट सेटिंग्स है वो कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड, 630 आर में आपको जो कीज़ है वो स्क्रीन के अंदर मिलेंगे, और जो हमारे पास 630 आर के का मॉडल है उसमें हमारे पास यहाँ पे एक फुल कीबोर्ड होता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 630 आर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो सारे फंक्शन है वो हमें स्क्रीन के अंदर मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा होम स्क्रीन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है 630 आर। ये हमारा मॉडल है, इसका सीरियल नंबर है, इसका वर्जन है, और यहाँ पे ये जॉब है होम। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, MEAS मेजर्स, MEM और कन्फिग्रेशन। तो इन तीनों में हमने यूज़ करना है कन्फिग्रेशन वाले बटन को। तो F4 प्रेस करके आप कन्फिग्रेशन के जो पेज है उस पे इंटर हो सकते हैं। मैंने F4 को प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन अवेलेबल है, ऑब्जर्वेशन कंडीशन है, इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट है, कॉम सेटअप है, और यूनिट्स है। इसके अलावा की फंक्शन है और पासवर्ड है। तो हमने यूनिट्स को चेंज करना है, तो यूनिट को चेंज करने के लिए आपने इस की से, आपको जो एरो नज़र आ रहा है ऊपर नीचे, इसको आप कर सकते हैं। इसकी मदद से आपने यूनिट ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपने इंटर को प्रेस करना है। ये हमारे पास यहाँ पे इंटर की है, आपने इस पर प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर है, प्रेस है, HP है, एंगल है, डिग्री, डिस्टेंस है फीट, और फिर नीचे फीट है US फीट। तो हमने क्या करना है, यहाँ से आना है डिस्टेंस पे और इसको हमने चेंज करना है। तो इसके लिए आप अपना जो लेफ्ट और राइट एरो है इसको आप लोगों ने चेंज करना है। देखे ये मेरे पास यूनिट चेंज हो रहे हैं, ये फीट में था, अभी इंच में हो गया है, अभी मीटर में चला गया है। तो आपको जिस भी यूनिट में आपने काम करना हो, आपने वो यूनिट यहाँ को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आके आपने ओके करना है, और फिर आपने यहाँ से स्केप दबाना है। तो हमारा जो यूनिट है वो चेंज हो चुका है। मैं दोबारा बता दूँ आपको, आपको आना है होम स्क्रीन पर, यहाँ से आपने F4 या कॉन्फ़िगरेशन पर आना है। अगर आप कोई नया मॉडल यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आपने यूनिट सेटिंग करना है। यूनिट को सेलेक्ट करके इन कीज़ की मदद से आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने यहाँ से आना है डिस्टेंस पर, और यहाँ से लेफ्ट राइट एरो करके आप अपना यूनिट सेट करके यहाँ से ओके करें, और ओके करने के बाद आपने यहाँ से स्केप करना है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।